तो अभी हम आप लोगों को ट्यूबलाइट का कनेक्शन बताने जा रहे हैं कि ट्यूबलाइट के कनेक्शन करते कैसे हैं, कौन कौन सा ट्यूबलाइट में कनेक्शन आता है। अभी ट्यूबलाइट में जनरली एक एलईडी ट्यूब होता है, उसकी वायरिंग होती है। एक ट्यूबलाइट वैसा होता है जिसमें स्टार्टर लगाते हैं, उसका भी कनेक्शन होता है, और एक ट्यूबलाइट में बिना स्टार्टर का कनेक्शन होता है। तो अभी तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्यूबलाइट के कनेक्शन पढ़ाऊंगा। उसके बाद अगर ट्यूबलाइट ऑन नहीं हो रहा है, प्रॉपर कनेक्शन किया गया है फिर भी ऑन नहीं हो रहा है, तो हमको ये चेक करना है कि उसमें क्या उसके कंपोनेंट्स खराब है, तो उसको चेक करने का भी तरीका बताऊंगा। तो एक एक करके भी आप देखिए कि कैसे ट्यूबलाइट की वायरिंग होगी। ट्यूबलाइट में जो सबसे पहला कनेक्शन बताने जा रहा हूं वो है इलेक्ट्रिकल चौक से। अब ये इलेक्ट्रिकल चौक से ट्यूबलाइट के कनेक्शन अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या मटेरियल चाहिए वायरिंग करने के लिए, उसके बाद हम कैसे वायरिंग करेंगे। तो आप देखिए, अगर हम ट्यूबलाइट की वायरिंग करेंगे एक ट्यूब चाहिए होता है। अब ये ट्यूब में आपको पता है दो साइड से पिन इधर निकलेंगे और दो मतलब दोनों साइड में दो पिन निकले होते हैं, ऑलरेडी आपने देखा है। इसके बाद इसमें एक क्या चाहिए होता है, स्टार्टर चाहिए होता है। वायरिंग करने के लिए हमें चौक चाहिए, बाकी इसको ऑन ऑफ करने के लिए क्या चाहिए, स्विच चाहिए। इसके अलावा सर न्यूट्रल और फेज की आवश्यकता होती है इसको ऑन करने के लिए, सप्लाई चाहिए। तो कुछ कुछ डाउट होते हैं इसमें कि ट्यूबलाइट के बारे में कि ट्यूबलाइट जो आता है कितने कितने वाट में आता है और इसकी साइज क्या क्या होती है। तो जो ट्यूबलाइट होता है छोटा वाला वो 18 से 20 वाट में आता है, और उसकी अगर हम लंबाई बात करेंगे तो वो 2 फीट का होता है। मतलब जितने भी छोटे वाले ट्यूबलाइट होते हैं, कोई कंपनी 18 वाट की बनाती है, कोई 20 वाट की, और उसकी जो लंबाई होगी वो 2 फीट, और जो बड़ा वाला ट्यूबलाइट होगा वो 36 या 40 वाट का होगा और उसकी लंबाई होती है 4 फीट। तो ये हमारा हो गया ट्यूब, इसको बोलते हैं स्टार्टर, बाकी ये हो गया चौक। तो चौक की कैपेसिटी क्या होगी, ट्यूबलाइट की तो कैपेसिटी 18, 20, 36 या 40 वाट की है, तो चौक की कैपेसिटी क्या होगी। तो चौक में भी आपका 18, 20, 36 या 40 ये सारे लोड ले सकता है। मतलब कि अगर हम इस चौक से छोटे वाले ट्यूबलाइट जलाएंगे तो दो ट्यूबलाइट जला सकते हैं एक साथ में, और बड़ा वाला एक ट्यूबलाइट जला सकते हैं। बाकी वायरिंग करने के लिए न्यूट्रल फेज सिंगल फेज हमारा सप्लाई चाहिए होता है। अब इस ट्यूबलाइट की वायरिंग कैसे करेंगे, तो वायरिंग करने का क्या प्रोसेस है, स्टार्टर में कितने पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होंगे। दोनों पॉइंट में से एक एक तार निकालेंगे और दोनों को ट्यूबलाइट के एक एक सिरे पे जोड़ देंगे। ये हमेशा याद रहे कि स्टार्टर का जो पॉइंट होगा दोनों ट्यूबलाइट के दोनों अलग अलग सिरे में जाएगा, ऐसा नहीं कि आप एक साइड से ला करके दोनों एक में ही कनेक्ट कर दे, दोनों अलग अलग सिरे में जाएगा, ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका जो सर्किट होता है अलग होता है और इधर का सर्किट अलग होता है, इसलिए ये कंफ्यूजन ना हो कि दोनों ऊपर होना चाहिए या दोनों नीचे होना चाहिए, आपको बस एक लेफ्ट में और एक राइट में कनेक्शन कर देना है। इसके बाद न्यूट्रल वायर होते हैं, तो सीधा हमारा ट्यूबलाइट में न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देना है। फेज हम स्विच में देंगे और स्विच से हमारा फेज सीधा चौक में चले जाएगा, और फिर जो सिंगल वायर बचे हैं ट्यूबलाइट के वो चौक से चले जाएगा। तो जैसे फिर आप स्विच ऑन करोगे तो ये फेज चौक में जाएगा, चौक ब्लास्ट करके फिर ये हमारा सीधा ट्यूबलाइट में जाएगा,
न्यूट्रल डायरेक्ट ट्यूबलाइटिंग मिल रहा है और न्यूट्रल फेज स्टार्टर को स्पार्क करेगा, हमारा ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल चौक का कनेक्शन है। जो मैंने बताया कनेक्शन सेम एज इट इज करना है आपको, क्योंकि चौक देखोगे उसमें भी दो पॉइंट होंगे, स्टार्टर के भी दो पॉइंट होंगे, ट्यूबलाइट के भी चार पॉइंट होंगे, तो कनेक्शन बिल्कुल सेम होगा। इलेक्ट्रिकल चौक के बाद एक और वायरिंग होता है ट्यूबलाइट में, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक चौक, तो अभी इस इलेक्ट्रॉनिक चौक का हम कनेक्शन कैसे करेंगे, इसके लिए आप देखिए ये ट्यूब हो गए, ये चौक हो गए और ये स्विच है। तो ये जो चौक है इलेक्ट्रॉनिक चौक है और ये चौक हमने बताया था इलेक्ट्रिकल, दोनों में क्या डिफरेंस है, इस चौक में कितने वायर होते हैं, दो टर्मिनल होंगे, इस चौक में छह होंगे। तो छह में कौन कौन सा होता है, चार जो है ये टी वन मतलब इसको बोलते हैं ट्यूब के एक सिरे में, और ये टी टू मतलब ट्यूब के ये दूसरे सिरे में, ये पूरा एक साइड चले जाएगा और दूसरा दूसरे साइड चले जाएगा। अब बाकी जो न्यूट्रल फेज है सीधा डायरेक्टली आप सप्लाई लाके इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए अभी कनेक्शन से कितना आसान है, मैंने पूरा ट्यूब वन वाले एक साइड में दे दिया, दूसरे ट्यूब टू को दूसरे सिरे में दे दिया, उसके बाद सीधा न्यूट्रल का कनेक्शन मैंने चौक में लगा दिया, स्विच में फेज दे दिया और स्विच से फेज सीधा चौक में दे दिया। ऐसा करने पे जब स्विच ऑन करोगे तो हमारा ये ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगा। तो ये बेसिक हमारा इलेक्ट्रॉनिक चौक वाला ट्यूबलाइट है। आज के डेट में एक और ट्यूब आते हैं, उसको बोलते हैं एलईडी ट्यूब। इसकी कनेक्शन कैसे करेंगे वो देखिए आप, अभी इलेक्ट्रॉनिक चौक वाले जो ट्यूबलाइट होते हैं या इलेक्ट्रिकल चौक वाले होते हैं, दोनों में जो ट्यूब होता है रॉड होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्यूबलाइट है ये कुछ इस तरीके का होगा, दोनों के दोनों सिरे में दो पॉइंट बने होंगे, लेकिन जो हमारा एलईडी ट्यूब होता है इसमें चार पॉइंट बने हुए नहीं होते हैं, इस ट्यूब से सीधा दो वायर निकलते हैं, एक वायर न्यूट्रल के लिए दूसरा वायर फेज के लिए। वायरिंग करने के लिए हमें एक स्विच चाहिए, फेज चाहिए और न्यूट्रल चाहिए होता है। तो अभी इसका क्या कनेक्शन है, सीधा न्यूट्रल वायर को हमने ट्यूब में दे दिया, फेज को सीधा स्विच में डाल दिया और स्विच से हमारा सीधा सप्लाई ट्यूब में दे दिया एलईडी ट्यूब में। ऐसे वायरिंग करेंगे तो आपकी ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगा। तो ये ट्यूबलाइट जो आता है जनरली ये और इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रॉनिक वाला दोनों का साइज और वाटेज सेम होता है, लेकिन इस वाले ट्यूबलाइट की जो लंबाई होती है वो चार फीट ही होगी और इसका जो वाटेज होता है जनरली 20 वाट और 25 वाट में मार्केट में अवेलेबल है। बाकी कंपनियां कुछ भी बना सकती है लेकिन स्टैंडर्ड साइज 20-25 वाट में एलईडी ट्यूब आपको देखने को मिल जाएगा। सपोज आपने ये पूरा वायरिंग कर दिया बट ऑन नहीं हो रहा है, पॉसिबल है कि हमने वायरिंग कर दिया लेकिन जल नहीं रहा है, तो क्या है कुछ ना कुछ इसमें फॉल्ट हो सकता है, या स्टार्टर खराब होगा या ट्यूबलाइट खराब होगा या फिर चौक खराब होगा। तो अभी हम टेस्टिंग कैसे करेंगे, हम हर एक सामान का टेस्ट कैसे करेंगे कि हमारा सही से ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी देखिए टेस्टिंग करने के लिए हम सबसे पहले टेस्ट कर रहे हैं स्टार्टर का। अब कुछ भी टेस्ट करना हो तो हमें वो एक पॉइंट चाहिए,
बल्ब और एक स्टार्टर। टेस्ट करने के लिए एक बल्ब चाहिए, बल्ब आप 60 वाट का ले लो या फिर 100 वाट का ले लो, और ये एक स्टार्टर चाहिए। बाकी वायरिंग करने के लिए फेज और न्यूट्रल सप्लाई चाहिए। अभी कैसे कनेक्शन करना है, बल्ब के एक तार को सीधा स्टार्टर से मिला देंगे और किसी भी साइड से एक फेज देंगे स्टार्टर में और बल्ब में एक न्यूट्रल दे देंगे। ये सर्किट कंप्लीट करने पर अगर हमारा बल्ब क्या करेगा, ब्लिंक करेगा, मतलब बल्ब अगर हमारा जलेगा बुझेगा ब्लिंक करेगा तो हमारा स्टार्टर सही है, और अगर बल्ब ब्लिंक नहीं कर रहा है, जल नहीं रहा है बल्ब हमेशा, तो क्या होगा, स्टार्टर खराब हो जाएगा। दूसरा हम चेक करना है चौक को, अब चौक चेक करने के लिए फिर क्या चाहिए, एक बल्ब चाहिए और एक चौक चाहिए, बाकी सप्लाई के लिए फेज और न्यूट्रल चाहिए। अभी कनेक्शन जो करेंगे वायरिंग बिल्कुल सेम होगा कि इसके एक वायर को, बल्ब के एक वायर को सीधा चौक पे लगाएंगे, बाकी एक साइड से न्यूट्रल और एक साइड से फेज दे देंगे। अगर चौक हमारा सही होगा तो ये जो बल्ब है 100 वाट का वो सीरीज में जलेगा। सीरीज करने का मतलब कि बल्ब की रोशनी बिल्कुल कम होगी, 50% लाइक बहुत हल्का हल्का बल्ब जलेगा, तो हमारा ये चौक सही है, नहीं तो हमारा चौक खराब होगा। अगर नहीं जल रहा है, पूरा जल रहा है, तो चौक खराब है। सही होने का सिर्फ एक ही लक्षण होगा कि जो बल्ब होगा वो सीरीज में जलेगा। तीसरा हमें चेक करना है ट्यूब की जो रॉड है वो हमारा सही है या नहीं है। तो फिर सेम वायरिंग, एक बल्ब लेंगे, एक ट्यूब लाइट लेंगे और सप्लाई के लिए फेज और न्यूट्रल लेंगे। वायरिंग करने का प्रोसेस सेम है, एक बल्ब के एक तार को ट्यूब में लगा दिया, एक फेज को और एक न्यूट्रल को एक एक सिरे से कनेक्ट कर दिया। अगर हमारा ट्यूब का कनेक्शन ये वाला सही होगा तो बल्ब हमारा 100% ऑन हो जाएगा, मतलब बल्ब पूरी रोशनी करेगा। अगर बल्ब हल्का हल्का जल रहा है या बल्ब नहीं जल रहा है तो हमारा ये ट्यूब शॉर्ट है। अभी ट्यूब कभी इस साइड से शॉर्ट होता है या कभी इस साइड से होता है, तो दोनों सिरे को बार बार अलग से चेक करके बता सकते हैं कि हमारा ट्यूबलाइट खराब है या नहीं है। अगर आप एक सिरे से ट्यूबलाइट की चेक करेंगे और बोलेंगे ट्यूबलाइट सही है तो वो गलत भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें ट्यूबलाइट को दो बार चेक करना है, एक निचले सिरे से और एक ऊपर वाले सिरे से, प्रोसेस दोनों का सेम होगा। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि सर न्यूट्रल और फेज यहाँ पे क्या इसकी हम पोजिशन को चेंज कर सकते हैं, तो बेशक चेंज कर सकते हैं, हम फेज की जगह पे न्यूट्रल डाल सकते हैं और न्यूट्रल जगह पे फेज डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है ये कंप्लीट ट्यूबलाइट का प्रोसेस है कि ट्यूबलाइट की वायरिंग कैसे करेंगे, कौन कौन ट्यूबलाइट की वायरिंग होती है, हमारा सामान कंपोनेंट्स का चेक कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे होगा, खराबी होगा तो क्या क्या उसका सिंबल्स होगा, क्या उसके लक्षण होंगे। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप आगे कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई भी अगर जानकारी चाहिए आपको तो बेशक आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा इलेक्ट्रिकल के बारे में। शुक्रिया।